अस्सलाम वालेकुम जी, आज के व्लॉग में आपके लिए कुकिंग नहीं बल्कि आपको एक जगह की सैर कराऊंगी, क्योंकि कुकिंग करने का मेरा भी दिल नहीं करता और बच्चों की भी कुछ ख़ास फरमाइशें होती हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं अपने कंटेंट को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई नई चीज़ लेके आऊँ जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो थोड़ी सी आपके लिए और इन्जॉय भी करें। तो यहाँ पर ये जो हमारे रोस्टेल एरिया में हॉलिंगवर्थ लेक है, बहुत खूबसूरत जगह है और बच्चे भी जाके वहाँ पे इंजॉय करते हैं, बड़े भी और जो रिटायर्ड लोग हैं वो तो ख़ास तौर पे जाके वहाँ पे इंजॉय करते हैं जब मौसम हो थोड़ा सा अच्छा, समर में थोड़ा टेम्परेचर भी अच्छा सा हो। तो यहाँ पे हमारी एक सिस्टर हैं, वो ग्रुप को लेके जाती हैं काउंसिल की तरफ से। तो वो कुछ लेडीज़ थीं, उनका ग्रुप था, तो उनको दो ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। एक ग्रुप जो था वो अभी बोट में बैठा हुआ था, कश्ती रानी कर रहा था, उसके मज़े लुट रहा था। तो हम लोग अभी वॉक कर रहे थे, तो ये तकरीबन 4 किलोमीटर आई थिंक है इसका एरिया जो कि हमने वॉक की थी। तो इसके बाद हमने कश्ती रानी की थी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मौसम ऐसा था कि बारिश ही बारिश थी और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था वॉक करने के बाद। तो ये पूरा नक्शा है जो लेक का है, तो एक साइड से ये ज़्यादा लंबी तड़ंगी है, दूसरी साइड से थोड़ा सा गुलाई में। बहुत अच्छे से ये जगह जगह बनी थी, मैंने छोटे छोटे क्लिप में इनको रिकॉर्ड किया था। तो बारिश ही बहुत हो जा रही थी, तो समझ नहीं आ रही थी बार बार, फिर वो मैं कैमरा निकालती हूँ वो सारा मेरा कैमरा भी गीला हो जाता है, ये देख के बारिश आगे सामने नज़र आ रही होगी। तो ये जगह जगह इन्होंने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक रखे हुए थे, ताकि अगर लोग वॉक करते हुए थक जाएँ तो रेस्ट कर सकें। एक जगह पर कैफ़े एरिया भी आया था, वहाँ पर अगर लोग पार्टी वगैरह, बर्थडे या वगैरह या एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करना चाहें तो बुक करवा सकते हैं। तो वो भी आपको आगे जाके दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत, ये जो लोग नेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, बर्ड साउंड और इस तरह के फॉरेस्ट वगैरह, तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, फ्रेंड के साथ नए नए फ्रेंड भी बने जो कि फ्रेंड थी, उनके साथ गपशप भी बहुत अच्छी रही। थोड़ा सा एक बार फील हुआ कि बारिश है और कभी ज़्यादा वॉक नहीं हुई, तो एकदम से 4 किलोमीटर को अबूर करना भी तो एक वो मैंने रखता है ना। तो लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे अच्छे जो माउंटेन थी बड़ी बड़ी, उसके ऊपर एनिमल्स भी थे, घास वो चल रहे थे। तो ये एक बेंच बनाया हुआ था वुड का और बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ था। तो मेरा दिल तो कर रहा था कि यहाँ पास बैठी रहूँ यहाँ, लेकिन जो ग्रुप मेंबर्स थे वो आगे वॉक कर रहे थे, तो वहाँ मेरा अकेले बैठना थोड़ा सा सेफ भी नहीं है। और फिर ये था कि ग्रुप के साथ ही जाना था। यहाँ पर जो गायें हैं ये चल रही थी, तो बच्चों के लिए मैंने ये रिकॉर्ड की थी, तो फिर मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी है। यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए हैं, जो गोता हो रहे हैं अगर कहीं ना कहीं बोटिंग करते हुए कोई ऐसा मसला हो, इंसिडेंट हो, तो उनके लिए ये है थोड़ा हेल्प के लिए। इन्होंने रूम बनाए हुए जो कि हर वक्त कवरेज करते हैं। ये हैं इनके खेत गोरों के, तो काफ़ी ये कई जगह से ये माउंटेन एरिया है, तो कई जगह से काफ़ी ऊँचा था और कई सी जगह से तो बिल्कुल बराबर में था। तो ये पूरी लेक थी जो हम दूसरी साइड पे अब जा रहे थे, पहले हम जहाँ से शुरू किया था उस साइड था वो दूसरा किनारा, अब ये हम दूसरी साइड पे आ रहे थे और इस तरह से थोड़ा नज़दीक था। पहले जो किनारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको अबोर्ड करना आसान था, थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पर फिर हम लोग ये था कि हम करीब करीब चलते जा रहे थे, थोड़ा सा रह गया था। तो बाद में थोड़ी सी बारिश भी रुक गई थी, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो सफ़र था इसमें बारिश ही होती रही है। तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा ये यादगार था, तो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके तावन का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम लोगों का एंड हो चुका था, जो टूर था पूरा यहीं से हमने शुरू किया था और यहीं पे हमारे यहाँ पे एंड